दोस्तों, हमारे इंडिया के अंदर जो पढ़ाई की जो वैल्यू है ना, आज आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलने वाली है। और आज इस वीडियो के अंदर जिस मैं मूवी के ट्रेलर का रिव्यू करने वाला हूँ ना, उस फिल्म का नाम है दसवीं, जो कि बिना किसी नोटिफिकेशन के आज नेटफ्लिक्स पे अपलोड कर दिया गया है मॉर्निंग में। और अगर आप मेरे इस चैनल पे पहली बार आए ना इस वीडियो को देखने के लिए, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल जो कोने पे दिख रहा है ना, उसको ऑन कर ले, ताकि मेरी सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो को देर ना करते हुए सबसे पहले बात कर लेते हैं इस फिल्म के स्टार कास्ट की, जिसमें एक अभिषेक बच्चन आपको एक जाट नेता के रोल में नजर आने वाले हैं, और उनका बखूबी साथ निभा रही है यामी गौतम, जो कि एक पढ़ी लिखी आईपीएस ऑफिसर होती है, बहुत ही ईमानदार। और अगर मैं बात कर लूं फिल्म की स्टोरी की, तो फिल्म की स्टोरी अगर सच्ची घटना पर आधारित कहे तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि एक हरियाणा के सीएम थे ओम प्रकाश चौटाला, वो भी जेल के अंदर गए थे। उन्होंने 82 की उम्र में 12th का एग्जाम दिया था जेल के अंदर से पढ़ाई लिखाई करके, और वो जेल इसी केस के अंदर गए थे कि उनके ऊपर एक केस था कि उन्होंने टीचर भर्ती, जो हरियाणा की टीचर भर्ती थी, उसके अंदर घोटाला किया था। और सेम फिल्म के अंदर भी अभिषेक बच्चन जेल जाते हैं कि उनके ऊपर भी यही केस होता है, उन्होंने भी टीचर भर्ती का घोटाला किया था। लेकिन फिल्म के अंदर थोड़ा सा चेंज ये किया गया है कि यहाँ पे इन्होंने अभिषेक बच्चन ने 10th का एग्जाम दिया है जेल के अंदर पढ़ाई लिखाई करके। और जेल के ही अंदर अभिषेक बच्चन की जो मुलाकात होती है वो होती है यामी गौतम से, जो कि आईपीएस ऑफिसर है। जब अभिषेक बच्चन जेल के अंदर होते हैं तो इनकी वाइफ सीएम बनती है, और जब अभिषेक बच्चन जेल से बाहर आते हैं तो वो 10th का एग्जाम देते हैं। अब वो 10th के एग्जाम में पास होते हैं या फेल, वो चीज आपको देखने के लिए फिल्म देखना पड़ेगा और थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं सारी चीजें इसी वीडियो के अंदर सारी चीजें बता दूंगा तो आप फिल्म देखने क्यों जाएंगे और आपका इंटरेस्ट जो है फिल्म से कम हो जाएगा। तो ये गलती मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा, आप फिल्म देखने जाना और स्टोरी जो है आगे की वो चीज पता करना। और अगर इस फिल्म को मैं एक लाइन में रिव्यू करूं तो फिल्म काफी जबरदस्त होने वाली है। इस फिल्म को मैं 10 में से 10 नंबर देने वाला हूं, क्योंकि इसके अंदर हमको वो सारी चीजें देखने को मिलेगी जो कि आज की डेट में बॉलीवुड वाले बहुत कम बनाते हैं। ये फिल्म आप फैमिली के साथ आराम से बैठ के देख सकते हैं। इस फिल्म के अंदर आपको प्यार भी देखने को मिलेगा, धोखा भी देखने को मिलेगा, और सबसे बड़ा एजुकेशन, उसको क्या वैल्यू दी जाती है हमारे इंडिया में, वो चीज भी इसके अंदर पूरी दिखाई गई। आपको इस फिल्म के अंदर कॉमेडी भी पूरी देखने को मिलने वाली है। और जिस बंदे ने भी इस ट्रेलर को काटा है ना, वो बहुत ही अच्छे तरीके से काटा है कि ट्रेलर 2.5 मिनट का होने के बावजूद भी आप एंडिंग इसकी क्या होने वाली है इस फिल्म की, आप बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा सकते। और इस फिल्म के अंदर एक चीज काफी अच्छी दिखाई गई है कि हमारे इंडिया में क्या होते हैं पॉलिटिक्स, क्योंकि हमारे इंडिया में हर कोई बिना डिग्री के भी इलेक्शन लड़के और नेता बन जाता है, और उनके हाथों में उन पढ़े लिखे लड़कों का फ्यूचर दे दिया जाता है जो कि कुछ कर ही नहीं सकते। और एक और चीज, सबसे बड़ी बात कि आपको ये फिल्म देखने के लिए थिएटर में जाने की जरूरत नहीं है, ये नेटफ्लिक्स पे आपको अवेलेबल हो जाएगी, और साथ ही साथ जियो सिनेमा के ऊपर भी फ्री में अवेलेबल होने वाली है। तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत जल्द आपको ये फिल्म देखने को मिलने वाली है। और मेरे हिसाब से तो ये फिल्म काफी अच्छी होने वाली है, इसकी स्टोरी काफी अच्छी है, क्योंकि अभिषेक बच्चन आज के डेट में जो फिल्में बना रहे हैं ना और सिलेक्ट कर रहे हैं, वो काफी अच्छी फिल्में सेलेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि आपने इससे पहले बॉब विश्वास भी देखा होगा, और यामी गौतम की आपने इससे पहले पिछले महीने जो एक फिल्म आई थी ट्यूसडे, वो भी आपने देखा होगा कि काफी अच्छी फिल्म थी वो भी, और लोगों ने काफी प्यार किया था उस फिल्म के साथ भी। अब देखना यह है कि जब ये फिल्म आती है तो लोग इसको कितना पसंद करते हैं और बॉक्स ऑफिस पे क्या ये धमाल मचा पाती है। सो गाइस, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे कि इस चैनल के भी ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर हो सके, और कमेंट करके जरूर बताए कि आपको इस वीडियो के अंदर कौन सा पार्ट ज्यादा अच्छा लगा। और मेरे रिव्यू के लिए अगर कोई भी आप सजेशन देना चाहते हो तो कमेंट करके जरूर मुझे बताइए, मैं पक्का अपनी वीडियो के अंदर चेंज करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।